की कितर बड़ी प्यारी है। भैया हमारे प्रदीप राजपूत साहब, मैं एक बात कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ यहाँ पर। क्या भाभी जी, इतनी साल मैं यहाँ पर आया, इतनी साल तक गाना गाया, आज आपने पहली बार बताया। मैंने हमेशा जो बोला पहले बोलता रहा, आपने कभी कुछ कहा ही नहीं था। चलिए क्षमा कर दीजिए, आगे ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, नॉट वेरी हैप्पी हो जाता है। किस्सा है अपनों का, गैरों की बात नहीं, किस्सा है अपनों का। कि मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, पर सवाल यही है कि माझी जब नाव डूबोए उसे कौन बचाए। और पूरे गीत में बात लगी है मेरे, क्या कि ऐसा कोई करे तो ऐसा कर जाए और ऐसा कोई और करे तो कौन बचाए जाए। पूरा गीत बना हुआ है इसी तरीके से। कैसे कैसे, जब काली क्रोध में आए संगत का सर खा जाएगा। क्यों चाचा, संगत का सर जरा आप चलो बेटा, जब ढोलो जैसी बजे वैसी मेहनत कीजिए। ये नहीं मेरे हिल हिल के रहने लगे, जब काली क्रोध में आए तो शिव जी शांत कराए, जब काली क्रोध में आए तो शिव जी शांत कराए। पर सवाल ही है क्या कि जब शिव जी क्रोध में आए शांत कौन कराए, शांत कौन कराए, शांत कौन कराए, शांत कौन कराए। काली जब क्रोध में आए तो शिव जी शांत कराए। आपने देखा होगा कि एक बार काली मैया दुष्टों को मार रही थी, विनाश कर रही थी, तो सब देवता घबरा गए कि दुष्टों के साथ साथ भक्त भी चले जा रहे हैं। शंकर भगवान से कहा कुछ कीजिए आप, तो शंकर भगवान डर के मारे सामने खड़े नहीं हो पाए, वो लेट गए रास्ते में लेट। आपने कैलेंडर में देखा होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कैलेंडर में देखा होगा कि शंकर जी लेट गए, तो काली माता का पैर उनके पक्ष स्थल पे पड़ा और नीचे देखा तो जिभ्या निकल आई, कह रहे भोलेनाथ वही बात कह रहा था। काली जब क्रोध में आए तो शिव जी शांत कराए, और जब शिव जी क्रोध में आए शांत कौन कराए, शांत कौन कराए, शांत कौन कराए, शांत कौन कराए। आगे सुनिएगा, प्रहलाद भक्त विष्णु के, प्रहलाद भक्त विष्णु के, ब्रह्मा जी और शंकर के खंभे से निपट गए हैं तो दर्श मिले ईश्वर के,
खंबे से लिपट गए तो दर्श मिले ईश्वर के। हिरणाक्ष को घमंड था कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रहलाद के पिता कह रहे हैं कि मेरी पूजा करिए, पर प्रहलाद ने विरोध किया, नहीं भगवान तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु वो मेरे भगवान हैं। तो प्रहलाद से पूछा कि तेरे भगवान खंबे में है? बोले हाँ खंबे में भी है। तो उसने खंबे पर प्रहार किया गधे का, जब गदा मारी तो खंबा फाड़ के भगवान विष्णु नरसिंह अवतार हुआ। शरीर मानव का और सर एक शेर का था नरसिंह। अब सवाल फिर लगा है, जब भक्त को तैती सताए तो ईश्वर उसे बचाए। प्रदीप भाई, जब भगत को दैत्य सताए तो ईश्वर उसे बचाए और जब ईश्वर कह रहे ढाए उसे कौन बचाए। जब भगत को दैत्य सताए तो ईश्वर उसे बचाए और जब ईश्वर ही गहरे ढाए तो उसे कौन बचाए। जय हो। एक सवाल और दे रहा हूं, कैसे दशरथ ने हरी से हटकर हट माने जीत जीत कहते राज हट त्रिया हट बाल हट एक है चल हट नीति बेकार की हट वह हट वही है हट 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 दशरथ ने हरी से हट कर सुनो चार पुत्र है मांगे पर झुकना पड़ा राजा को तिरिया की हट के आगे पर झुकना पड़ा राजा को तिरिया की हट के आगे। कई कई ने मांग लिया कि मेरे भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि रघुकुल री सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाए। दशरथ जी को मजबूर हुए तो हुआ ये क्या कि जब राजा हट्टी भी खिलाए तो तिरिया लेती मनाए। जब राजा हट दिखलाए तो तिरिया लेती मनाए, लेकिन जब तिरिया हट दिखलाए कई कई ने हट दिखाई जब तिरिया हट दिखलाए उसे कौन मनाए। एक बात और दे रहा हूं छोटी सी बात की बल कि राजा और कहीं प्रदीप सुनो पर घमंड कभी ना करना। और ये निवेदन मेरा आप लोगों से भी है कि भगवती सबको सब कुछ दे दे, बंगला गाड़ी कार जो चाहे वो भगवती आपको दे, पर जीवन में मुझे ना आपको घमंड कभी नहीं मिलना चाहिए, कभी घमंड होना नहीं चाहिए किसी को भी किसी
प्रकार का भी घमंड अच्छी बात नहीं है। तो वही तो मेरे गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि राह चोरी नहीं प्रदीप सुनो पग फूक फूक के रखना हो करके निडर गाना लेकिन पर घमंड कभी ना करना भैया जब नाता घमंडी दिखाए तो ज्ञानी पाठ पढ़ाए जब नाता घमंड दिखाए तो ज्ञानी पाठ पढ़ाए। सवाल ये है और जब ज्ञानी घमंड दिखाए कौन पढ़ाए जब नाता घमंड दिखाए तो ज्ञानी पाठ पढ़ाए और जब ज्ञानी घमंड दिखाए उन्हें कौन पढ़ाए। एक बार सुनिए मेरी माता बहने भैया जो बैठी हैं प्रेम श्रद्धा से दोनों हाथ उठाइए ऐसे कैसे जागरण का नियम ये भी है जब बजेगी ताली तो आएगी शेरा वाली और भर देगी झोलियां खाली। जरा प्रेम से बोलो माता दी मिलके बोलिए जोर से बोलो जय माता दी कर बोलो माता दी ताली बजा के माता दी क्या बोलिए माता दी शेरा जोर से बोलो माता दी माता दी माता दी बोलो चलो चलो शेरा वाली की ताली बोलो चलो 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 मेरी साचे दरबार की तो सुना भी आपने बड़े भैया प्रदीप भैया को अच्छा बड़ा सुंदर सा जवाब लेकर गए हैं बहुत ही बढ़िया जवाब कुछ नहीं कहूंगा मैं। चलिए एक गीत आपने पढ़ा है Thank you.
ये मत पूछो तुम हमसे मझिधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए और माझी जब नैया डूबोए उसे कौन बचाए उसे कौन बचाए उसे कौन बचाए। भैया ने गाया क्या गाया जब काली ओ जब काली क्रोध में आए तो शिव जी है शांत कराए जब शिव जी क्रोध में आए भैया का सवाल है क्या सवाल है काली ने पैर रखा रखा तो भगवान शंकर शांत मतलब माता काली शांत हो गई और जब भगवान शंकर को क्रोध आया तो उनको शांत कौन कराए। चलिए प्रदीप भैया देखिए मैं भी खाली प्रयास कर सकता हूँ केवल मेरे पास प्रयास है हो सकता है आपको अच्छा लगे। जब भगवान शंकर ने मना किया कि सती से कि आप राजा हिमाचल के ना जाओ मत जाओ लेकिन नहीं मानी चली गई और जब चली गई और जाकर के वहां की जब स्थिति देखी तो क्रोध में आकर के अपन कुंड में कूद गई और भगवान शंकर ने जब देखा क्या देखा तो उनकी शपथ लेकर के जगह जगह भटकते रहे क्रोध में होने लगे तब देखिए प्रदीप भैया भगवती करिए भगवती जो क्रोध में आए तो भगवान है शांति कराए भगवान जो क्रोध में आए भक्ति शांति कराए शांति कराए भक्ति शांति कराए क्योंकि भगवान अपने भगत के वश में हैं। भगवान भगत के वश में है भगवान भक्त के वश में है भगवान तब भगवती को क्रोध जो आए भगवान है शांति कराए भगवान जो क्रोध में आए भक्त शांति कराए नरसिंह बने हैं विष्णु
भगवान विष्णु नरसिंह बने तो उन्हीं का भक्त है प्रहलाद। नरसिंह बने हैं विष्णु तो कारण प्रहलाद बना है। जब देखा भगवान विष्णु का रूप तब माता लक्ष्मी आई पूजा पाठ करने लगी, लेकिन जब भगवान विष्णु नहीं माने तो विनती करने लगी प्रहलाद से, और जब प्रहलाद से विनती करने लगी तो प्रहलाद खड़े हो गए। जब प्रहलाद को देखते ही भगवान उसे चाटने लगे हैं, धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। नरसिंह बने हैं विष्णु कारण प्रहलाद बना है। भयभीत हो गई भक्ति हो गया मान अनमना है। जब दानव कहर मचाए कहर मचाए, भगवान है उसे मिटाए। और भगवान जब कहर उठाए भक्त शांति कराए, भक्त शांति कराए, भक्त शांति कराए, भक्त शांति कराए। अब आइए, आपने कहा नादा वाली बात, देखिए मैं भी प्रयास करता हूँ। गुरु की महिमा न्यारी ग्रंथों में मैंने पढ़ा है। भगवान से भी ज्यादा स्थान गुरु का बड़ा है। बुड्ढे भैया, गुरु की महिमा न्यारी ग्रंथों में मैंने पढ़ा है। भगवान से भी बड़ा गुरु का स्थान बड़ा है। भगवान जो समझ न पाए, भगवान जो समझा ना पाए तो गुरु से समझाए। और जो गुरु करे ना समझी, भैया जब गुरु करे ना समझी उससे कौन समझाए, उसे कौन समझाए, उसे कौन समझाए, उसे कौन समझाए। जो गुरु करे ना समझी उसे कौन समझाए। ये मेरा प्रयास।